में गणित का कर दिया जाना चाहिए उड़ीसा है ना यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के माध्यम से संभवतः मिडिल स्कूल तक वैदिक गणित का बहुत कुछ अंश अपनाया गया पूरे भारत में सबसे अधिक वैदिक गणित को अगर सम्मान किसी प्रांत ने दिया है तो उड़ीसा ने और यहाँ के बच्चे चुटकी बजाकर मौखिक रीति से वैदिक गणित की विधा के आधार पर जो प्रश्न का उत्तर देते हैं आश्चर्यचकित करने वाला है अगर इस प्रकल्प को पूरे भारत में फैलाया जा सक जाता है तो राष्ट्र के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होगा हम एक संकेत कर चुके हैं कि कंप्यूटर की संरचना जिस गणित के आधार पर हुई वह गणित आज भी हमारे पास विद्यमान है गणित के जितने प्रकल्प क्षेत्र हो सकते हैं केवल सूत्र सूत्र कूट सूत्र मिलाकर बत्तीस छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से सब पर प्रकाश डाला गया है श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने पंद्रह वॉल्यूम गणित पर लिखा था उनके शिष्यों के घर में ही वो दीमक के द्वारा नष्ट कर दिए गए मोतियाबिंद की स्थिति में अमेरिका में उन्होंने जो गणित की प्रवेशिका के रूप में वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की वो पांडुलिपि भी अमेरिका में ही छोड़ के आ गए थे उनकी एक शिष्या मंजुला त्रिवेदी ने अमेरिका से पांडुलिपि को मंगाया कालांतर में हिंदी अनुवाद भी हुआ अंग्रेजी भी में ग्रंथ भी सुलभ है हिंदी अनुवाद में भी सुलभ है उसको अपनाना अपनाना चाहिए और मैं संकेत करता हूँ एक बहुत विश्व के लिए प्रसन्नता की बात है श्री भारती क्रंथ जी महाराज को उनके जीवन काल में प्राय लोग पूछ देते थे कि आपने लिखा है कि शुल्भ सूत्र जो अथर्वेद में है उनके आधार पर इन सूत्रों की संरचना हुई है और वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित आपने इसका नाम रखा है सोलह सूत्र तेरह उपसूत्र और तीन कूट सूत्रों को आपने उसमें गुमफित या निबद्ध किया है कृपा करके बताइए कि वो सूत्र वैदिक वांगमय में कहाँ प्राप्त होते वे मौन रह जाते थे मुस्कुरा देते थे मैं केवल एक सूत्र का नाम लेता हूँ सूत्र शिष्यते शिष्य संज्ञा भागवत के दसवा स्कंध में तीसरे अध्याय में संभवतः पच्चीसवा श्लोक काम होगा यह महाप्रलय में भगवान ही एकमात्र शेष रहते हैं दार्शनिक स्तर पर भी यह सूत्र काम देता है भागवत में तो दार्शनिक विधा से एक श्लोक का एक चरण ही यह सूत्र है लेकिन इस भागवत के वचन को गणित में ढालकर चमत्कार दिखाया है श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो हमारे मार्सियों के द्वारा लाखों वर्ष पहले ही निकाला गया था सृष्टि के प्रारंभ में ही से जाता है आधुनिक जगत में न्यूटन को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है या नैतिक वाक्य भी है और गणित भी है विज्ञान भी, भी है इसी शैली में भारतीय कृष्ण जी महाराज ने जो सूत्रों की रचना की है वो नीति अध्यात्म गणित तीनों में वो सूत्र काम देते हैं तो मैंने एक संकेत किया मेरे कंप्यूटर पर भावना तो है कि दो साल बाद भगवान सुयोग सदाएँगे दो ग्रंथ अभी हमारे मस्तिष्क में है उसके बाद में या एक ग्रंथ के बाद में ही दो साल हमको एक ग्रंथ की के अनुवाद में लग जाएगा वैदिक मैथमेटिक्स की हम व्याख्या करना चाहते हैं पचास साठ पेज तो हम लिख भी चुके हैं लगभग दो हजार पृष्ठों में वैदिक मैथमेटिक्स की पूरी व्याख्या हो सकेगी लेकिन आपको सु संदेश यह देते हैं जितने वैदिक गणित में सूत्र उपसूत्र और कूट सूत्र हैं सब के मूल मुझको प्राप्त हो गए कहीं भावार्थ रूप में कहीं ज्यों के त्यों मेरे पास कोई भारतीय कृषि महाभाग का लिखा हुआ एक अक्षर भी नहीं लेकिन उनकी कृपा समझिए विश्व के लिए बहुत रोमांचकारी तथ्य है पूरा विश्व कहता है कि सूत्र कहाँ से लिए गए कुछ लोगों ने कहा कि वेदों को से देने के लिए इसका नाम वैदिक गणित रख दिया गया वास्तव में उनकी ही संरचना है लेकिन हमको हर सूत्र का उपजीव्य मूल स्थल मूल स्वरूप प्राप्त हो गए हैं और कुछ सूत्र तो ज्यों के त्यों उपनिषदों में भी उल्लिखित हैं और भागवत का एक उपसूत्र तो मैंने बताया ही तो बहुत अच्छी बात है कि पाठ्य पुस्तकों में वैदिक ग्रंथ का सहारा लिया जाए इससे मेधा शक्ति बहुत उद्बुद्ध होगी और भगवत कृपा से पूरे विश्व में भारत का उत्कर्ष भी होगा पूरा विश्व तो अंतरिक्ष यान इत्यादि में वैदिक ग्रंथ का लाभ उठाता ही है भारत में भी वो जिज्ञासा प्रबल हो कि अपने निधि का उपयोग कर सके यह हमारी भावना है